आमतौर पर हम समझते हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में जो फाइल होती है उसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। कभी कभी पीडीएफ फाइल में एडिट करने के लिए उसको ऑनलाइन वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं और फिर टाइप करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको लगता है किसी भी पीडीएफ फाइल में ऑफलाइन टाइप किया जा सकता है? जी हाँ, हो सकता है। बस आप इस वीडियो को एक बार देख लो और उसके बाद हमेशा के लिए किसी भी पीडीएफ फाइल में इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी या कोई भी प्रादेशिक भाषा में टाइप करने का मजा उठा सकते हो। इस काम के लिए आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से एडोब एक्रोबेट रीडर नाम की ऐप इंस्टॉल करनी होगी। उसके बाद हम उस फाइल को ओपन करेंगे जिसके अंदर हम एडिट करना चाहते हैं। याद रहे वो पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ मेरे पास दो पीडीएफ में फाइल्स है, उसमें से फर्स्ट है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के लिए हम यूज करेंगे एडोब एक्रोबेट रीडर। ये फाइल ओपन हो गई। ये एक फॉर्म है जिसके अंदर हमें कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है। इसको हम अपने दोनों फिंगर की मदद से जूम कर सकते हैं और अब टाइप करना है। इसके अंदर हमें नेम टाइप करना है, बर्थ डेट करनी है, जेंडर करना है और विलेज। तो ये जो डिटेल्स हमें फिलअप करनी है, फिलअप करने के लिए हम नीचे जो सर्कल है ब्लू कलर का उस पर क्लिक करेंगे, कमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे चार नंबर पे टी है उस पर टैप करेंगे और डिस्प्ले के अंदर डॉक्यूमेंट में एक टिक करेंगे। जैसे हमने वहाँ फिंगर से टिप किया तो एक बॉक्स आ गया, उस बॉक्स के अंदर जो भी हम लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ, उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम, जिस प्लेस पे उसको रखना है वह एडजस्ट कर सकते हैं। हो गया, उसके बाद ऊपर ओके कर देंगे। अब बर्थ डेट लिखते हैं और बाकी सब डिटेल्स में भर देता हूँ। पीडीएफ फाइल में डिटेल्स मैंने फिलअप कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि जो फॉन्ट से उनका कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे, उस पर हम टिक करेंगे और उसके बाद नीचे देखेंगे जो सर्कल है ब्लैक कलर का, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कलर के ऑप्शन आएंगे। जिस कलर में भी हम रखना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने रेड कर दिया। फॉन्ट की साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए जो ए का सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे और जो नीचे सर्कल है उस सर्कल को या तो राइट साइड में लेंगे तो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज होगी और सर्कल को लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे तो फॉन्ट्स की साइज़ डिक्रीज होगी। तो इस तरह से फॉन्ट्स की साइज़ भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा एक जो ऑप्शन है कि हमने जो लिखा है उसको हम मिटाना चाहते हैं, वो हम नहीं रखना चाहते या कुछ डेटा हमने गलत फिलअप किया, तो वापस हम क्या करेंगे उस पर ही क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक किया और यहाँ ब्लैक सर्कल के बाजू में जो एक सिंबल है डिलीट का उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया डिलीट हो गया। आगे अगर हम चाहते हैं कि इस फॉर्म में हमें कुछ लिखना है, कुछ साइन करनी है मान लो, तो क्या करेंगे, फिर से उस पर क्लिक करेंगे, कमेंट में जाएंगे और नीचे टी के बाजू में जो पेन का सिंबल है उस पर क्लिक करेंगे और फिर फर्स्ट डॉक्यूमेंट को हम जूम कर लेते हैं और पेन का सिंबल लेके फिर उस पर हम साइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप भी कर सकते हैं और साइन भी कर सकते हैं और लास्ट में ओके कर देंगे। तो दोस्तों, ये है आसान तरीका जिससे आप कोई भी पीडीएफ फाइल के अंदर टाइप कर सकते हो।